तो कैसे हो भाई सारे के सारे? शुभम को कौन कौन जानता है? शुभम को ठीक है। हेलो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं अपने इवेंट के लिए और अभी शाम हो रही है और नोएडा स्टेडियम में जो है उत्तराखंड का एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे हमें भी जाना है, इनवाइट किया हुआ है। तो गाइस अभी हम वहाँ जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे कैसा होता है और कितनी पब्लिक आई होती है और वहाँ हमें पता लगेगा कि हमें लोग कितना प्यार करते हैं ना। तो गाइस अभी चलते हैं, बोर्ड दिख गया इन लोगों को, ये गाड़ी चला रहे हैं ना, इन्हें बोर्ड दिख गया है। तो गाइस चलते हैं ना, करता हूँ थोड़ी देर में, दिखाता हूँ आपको आगे का दृश्य। हटा दे लोकेशन तो सीधा गेट, हटा दे लोकेशन। अगर अब भी हम नहीं पहुँच पा रहे तो हमसे बड़ा गंवार कोई नहीं। अच्छा कैसा लग रहा है लोगों को? एक तो दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है और बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि पहाड़ी जहाँ भी जाते हैं धुआं उठा देते हैं बस, है कि नहीं? पहाड़ियों की पावर ही ऐसी है। तो एक बहुत ही प्यारा गीत हमने गाया था तो मैं उसको गाऊंगा, जो किसने सुना है तो आप शोर मचा के बता दो। तेरो साथ बड़ा प्यारा लागो रे, तारा 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 लागो रे, जरा भैंस छोड़ तू खिंच करके तेरी मुखड़ी प्यारा लागो रे। सफाई ये पूरी टीम करती है, इनके लिए जोरदार तैयारियां होनी चाहिए, तालियां। देखिए शमशान घाट पर जाने के लिए बहुत दिल चाहिए होता है और वहां की सफाई करने के लिए, लेकिन हरदा उत्तरांचली की टीम निरंतर, किस किस ने देखा उसको जरा हाथ खड़ा करें, कौन कौन है देखने उसके चाहने, हाँ देखो उसको जरा, हम दिखाना चाह रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा कि वो कौन व्यक्ति है। ऋतिक भारद्वाज सर, बहुत सारी चीजें हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना, आते यहाँ से बन जाएगी ना क्वेश्चन। ये ऋतिक भारद्वाज, स्क्रीन पे पहचानो इस बच्चे को। थोड़ा सा ये मंच पर एक परिचय के लिए बुला रहा हूँ बस में। बहुत ज्यादा पैसा खत्म हो रहा है भाई, अब मतलब पता है कैसे पियेंगे? साल में एक बार पी ली दोनों भाइयों ने, फिर पूरा साल नहीं पियेंगे। हाँ यार ठीक है भाई, निर्णय मेरा पक्का है भाई अब, ठीक है। लेकिन यार साल में एक बार कुछ ज्यादा लंबा गैप नहीं हो जाएगा? शुभम भाई मेरी बात सुन, 6 महीने में ना एक बार पियेंगे भाई बस। हाँ उससे क्या होगा ना, शराबी वाली एक्टिंग इतनी बढ़िया कैसे कर लेते? अंकल जी हमें उत्तराखंड से है ना, और उत्तराखंड वाले जब तक 2 पैक शाम को नहीं पीते ना तो रात नहीं कटती, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा ज्यादा तो कैसे हो भाई सारे के सारे? शुभम को कौन कौन जानता है? शुभम को ठीक है, तो एक टाई लोग करेंगे बस फिर निकलते हैं यहां से, ठीक है। कौन सा वाला बताओ, आप बताओ कौन सा वाला,
कौन सा आवाज नहीं आ रही भाई, मैं अपनी मर्जी से कर देता हूँ। चलो एक फोन है आपका किसी। अरे ऋतिक वो कह रहा बाद में करेंगे दूसरा वाला भी। यार दारू पी के साला मेरा ना कलेजा फूक गया यार, अब साला दारू छोड़नी पड़ेगी मेरे भाई। एक काम करता हूँ, शुभम को फोन करता हूँ, उससे कहता हूँ कि आज के बाद दारू बंद। हाँ शुभम भाई, यार मेरा भाई दारू बंद करनी पड़ेगी भाई। अब यार मेरा एक्चुअली ना क्या हो रहा है कि पैसे का भी नुकसान हो रहा है और यार मेरा ना सिस्टम खराब हो रहा है मेरा भाई अंदर का, तो अब दारू बंद मेरे भाई। यार लेकिन अगर हम साल में एक बार पी लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, तो साल में एक बार पीते हैं। हाँ शुभम भाई, यार मैं कह रहा था खाली ना साल में एक बार पियेंगे मेरे भाई, उससे क्या होगा हम एकदम से दारू छोड़ेंगे तो यार शरीर में भी दिक्कत आएगी, उसको कौन देखेगा, कल को बीवी बच्चे भी पालने मेरा भाई। तो एक काम करेंगे साल में ना खाली एक बार पियेंगे बस। यार लेकिन अगर मैं साल में एक बार पीऊंगा तो साला इससे तो मेरे फिर पैसे भी खत्म नहीं होंगे, और मैंने कमेठी डाली थी वो कमेठी भी मेरी आने वाली है वापस। तो एक काम करते 6 महीने में एक बार पियेंगे बस। शुभम भाई यार मैं ये कह रहा था 6 महीने में एक बार ना पिए बस, उससे क्या होगा मेरे भाई कि हमारी ना किडनी भी एकदम से खराब नहीं होगी और पैसा तेरे भाई के पास इतना है कि खर्च करने को नहीं मिल रहा, कहाँ करूँ खर्च। तो 6 महीने में एक बार पियेंगे मेरे भाई। लेकिन यार अगर मैं हर महीने दारू पी लूंगा तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है मेरे भाई, दिक्कत हो रही है कुछ मेरे भाई? नहीं हो रही ना। तुम्हारा भाई देखो सीधा खड़ा है, एकदम सीधा खड़ा है। तो मेरे भाई मैं तो रोज पीऊंगा और रोज वीडियो बनाऊंगा और तुम सब देखोगे। एक बार ऐसी कर दो जय उत्तराखंड। और मेरे भाई देखो मैं तो रील में बना रहा हूँ, वैसे दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है भाई, ठीक है, लेकिन मेरे भाई कभी कभी इंजॉय के लिए पी लिया करो क्योंकि टेंशन ज्यादा है मेरे भाई। इस बच्चे ने सिर्फ एक्टिंग करी है पर दारू को कभी हाथ नहीं लगाया है, जैसा कि आप लोग भी कभी हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ नकली एक्टिंग करेंगे। धन्यवाद। आइए क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां ऋतिक के लिए। और एक अंग वस्त्र मैं चाहूंगा ऋतिक को भी पहनाया जाए जो कि हमारे उत्तराखंड का नाम बहुत रोशन कर चुका है ऋतिक। और मुझे ऋतिक के बारे में आज भी पता है कि जब इंदिरा कौथिक महापुरम में इंदिरा कौथिक जो हुआ था वहां ऋतिक ने बहुत अच्छा, ऋतिक के अंदर बहुत आर्ट भी है, गाना भी गाता है, पर अगले साल जरूर ऋतिक को गाने के लिए बोलेंगे। एक बार जोरदार तालियां ऋतिक के लिए। थैंक यू सो मच ऋतिक फॉर कमिंग। और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं भगवान विश्वनाथ से जो प्रार्थना करूंगा कि यूं ही आप दिन दुगनी रात चौगुनी आपको मिले। फिलहाल नाउ द टाइम फॉर ब्लास्टर, और ब्लास्ट करने के लिए हमारे पास दो क्यूटेस्ट और हॉटेस्ट और क्यूटेस्ट जोड़ी हमारे बीच में है, तो आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं मंच में बुलाना चाहूंगा। कैसा लगा? आप लोग पीछे आ रहे हैं, प्लीज आइए, 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 प्लीज आइए,
चले